अधिकार मिले हुए बोलने की अभिव्यक्ति है, किसी के खिलाफ कुछ भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये महात्मा गांधी ने बीड़ा उठाया, एक एक आदमी को जोड़ते जोड़ते एक जैन सैलाब बना। वो जैन सैलाब सोच लीजिए कि इतने बड़े ताकतवर, जिसका यूनियन जैक बताए हम कि एक तरफ से एक तरफ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ था और बहुत ही शक्तिशाली था। तो 15 अगस्त के दिन अंत में उनको छोड़ के जाना पड़ा अहिंसा के रास्ते पर। कुछ हिंसा जो कुछ उग्रवाद उग्रपंथी भी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस वगैरह थे, भगत सिंह वगैरह थे, लेकिन इनका महात्मा गांधी का जो था वो अहिंसा का मार्ग था। तमाम सत्याग्रह करते थे, धीरे 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 अंत में 15 अगस्त को ऐसा आया कि अंग्रेज मानने को तैयार हो गए कि नहीं, हम इसको भारत को छोड़कर हमें जाना है। ये तो हो गई उसकी बात। अब आइए अपने